गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में आपकी पाठ्य पुस्तक सोपान में पार्ट एक बोलियां और आवाज़ें इनका पठन पाठन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पार्ट एक बोलियां और आवाज़ें। मुर्गा बोला कुकड़ू को, दिन निकला अब उठ जा तू। कौवा उड़ता उड़ता आया, काऊ काऊ का शोर मचाया। सुबह होते ही मुर्गा कुकड़ू को की बांग लगाकर सुबह होने का संदेश देता है। कौवा उड़ता उड़ता आया, कौवा काऊ काऊ का शोर मचाकर उड़ता हुआ आता है। मक्खी भिन भिन करती आई, सपना ने झट दूर भगाई। मक्खी जो भिन 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 की अपनी आवाज़ करती आती है। कुहू कुहू का शोर मचाती, कोयल सबका मन बहलाती। कोयल अपनी मधुर गीत से या मधुर आवाज़ से कुहू कुहू का शोर मचाकर सबका मन बहलाती है। म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली, कहती जाऊंगी मैं दिल्ली। भौं भौं करता कुत्ता आया, बिल्ली को बाहर दौड़ाया। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं, और कुत्ता भौं भौं की आवाज़ निकालता है। बरसा पानी देखो झरझर, मेंढक बोला टर्टर। जब बरसात का मौसम आता है तो मेंढक खुशी से झूम उठता है और अपनी टर्टर की आवाज़ में नाचता है। बच्चों जिस तरीके से हम अपने मन की बात को, अपने मन के भाव को अपनी आवाज़ से प्रकट करते हैं, उसी तरीके से ये पशु पक्षियाँ भी अपने मन के भाव को अपनी आवाज़ के द्वारा प्रकट करते हैं या अपनी आवाज़ के द्वारा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आवाज़ें होती हैं, जिस तरीके प्रकार से घंटा बोला टन टन टन। जिस प्रकार से आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ का घंटा क्या करता है, टन टन। हवा बोलती सन सन सन, कभी आपने सुना होगा तेज़ हवा जब चलती है तो वो सन सन की आवाज़ निकालती है। सिक्के करते झन झन झन, चूड़ियाँ बोली खन खन खन। इसी प्रकार से सिक्के जो झन झन की आवाज़ करते हैं और चूड़ियाँ खन खन की आवाज़ करती हैं। सुनो घड़ी की टिक टिक और दरवाजे की खटखट। रात को जब आपने सन्नाटे में कभी सुना होगा, आपकी घर की दीवार पर जो खिड़की घड़ी टंगी हुई होती है वो टिक टिक की आवाज़ करती है और दरवाज़े की खटखट होती है। तो बच्चों यहीं आपका हिंदी व्याकरण में पाठ एक ख़त्म होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।